बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया था, उन्होंने प्रावधान रखा था कि उपचुनाव होंगे। उपचुनाव जैसे आंगन में, कोई हमारे बीच में रहता नहीं, किसी का निधन हो जाता है, उपचुनाव होता है। पर आज मध्य प्रदेश में ये केवल उपचुनाव नहीं है। जब मैं 2 मार्च को आया था, मैंने कहा था कि ये उपचुनाव है। आज तो ये उपचुनाव नहीं है, आम चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और आपको है कि जिस तरह हमारा संविधान जो बना था, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे राजनीति में ऐसे बिकाऊ दिया जाएंगे। बाबा साहब ने अगर ऐसा सोचा होता, उनके नजरिए में तो स्वच्छ और नैतिक राजनीति,